बाकी करेंगे कल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15। चैप्टर 15 में क्या है? चैप्टर 15 में है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में देखो क्या क्या आता है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में आता है ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, जैसे कि पहले लिखता हूं मैं बाय साइड्स। बाय साइड्स तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ए बी सी, इसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल होता है ए बी सी, जिसकी दो साइड इक्वल हो उसको बोलते हैं हम आइसोसेलस ट्राइंगल। तीसरा होता है ए बी सी, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल, ट्राइंगल और स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तीन तरह के होते हैं, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसको आइसोसेलस ट्राइंगल, और जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती उसको स्केल एंड ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बाय एंगल। एंगल्स, बाय एंगल्स भी तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं। पहला ए बी सी, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब इसमें सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 का होता है। तीसरा होता है हमारा सी, इसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है, इसमें 90 से छोटे होते हैं सारे, इसमें एक एंगल 90 का होता है और इसमें सारे एंगल सॉरी एक एंगल 90 से बड़ा होता है। क्लियर, देखो इसमें सारे 90 से छोटे होते हैं, ठीक है, इसमें एक 90 का होता है और इसमें एक 90 से बड़ा, इसमें कह रहा हूं मैं सारे, है ना, ठीक है, क्लियर। चलो ये था बाई साइड, कौन कौन सा, इक्विलेटरल, आइसोसेलस और स्केलन। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? हाँ, एक प्रॉपर्टी है इसकी, इसके ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, किसी को पता है क्यों होता है सारे एंगल्स का सम 180? नहीं, देखो हमें प्रूव करना है कि तीनों एंगल का सम 180 है। ध्यान से देखना ए बी सी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन करूंगा छोटी सी, इसको मान लिया ए बी सी डी डी ई मान लिया, और साथ साथ क्या माना, डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, इसके तीन एंगल हो गए, एक दो तीन, तीनों का सम क्या होगा 180।
तो इसको मान लेते हैं हम एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं हम जेड, ठीक है। और तीनों का सम क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है 180 क्यूब, स्ट्रेट एंगल्ड एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब एक सीधी लाइन 180 की होती है, और 180 पे कितने एंगल बने हुए हैं, तीन एंगल बने हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। तीनों का सम क्या है 180। अभी मैंने कहा DE पैरेलल है BC के, ठीक है, तो इसकी दो ट्रांसवर्सल है जो DE और BC को जोड़ रही है, दो है ना, कौन कौन सी, एक तो है AC। अब AC के अकॉर्डिंग देखते हैं Z में और इसमें क्या रिलेशन है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है और दोनों इंटीरियर है, तो ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल, तो ये क्या हो गया Z, ठीक है। सेम ऐसे ही ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, क्यों, ये पैरेलल है इसके और ये इनकी ट्रांसवर्सल हो गई, एक ट्रांसवर्सल के इधर है, एक ट्रांसवर्सल के इधर है, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर होगी, ये कितना हो गया एक्स। अब देखना एक्स वाई जेड, ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या हो गए एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का सम क्या लिखा था हमने 180, तो इन तीनों का सम क्या हो गया 180। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। कैसे प्रूव होता है, ऐसे प्रूव होता है, एक पैरेलल लाइन बना लो, उस पैरेलल लाइन पे तीन एंगल बन जाएंगे, तीनों का सम क्या होगा 180, ठीक है। इसको इसको कंपेयर करेंगे तो पता चला गया दोनों इक्वल है, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो भी पता चलेगा ये दोनों इक्वल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसने कहा है एक ट्राइंगल है ABC इन विच एंगल A 72, फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल B 63, एंगल C नहीं पता, एंगल C हमें नहीं पता, तो X मान लो यार, चलो तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल क्या होगा 180, तो एंगल ए कितना है हमारा 72 डिग्री, एंगल बी कितना है 63 डिग्री, एंगल सी कितना है एक्स इक्वल्स टू 180, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस, दोनों को जोड़ो 135, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 45 डिग्री, थर्ड एंगल कितना आ जाएगा 45। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 1 भी ऐसे ही होगा, 2 भी ऐसे ही होगा, 3 भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की, एक ट्राइंगल है जिसके तीन एंगल है और तीनों का क्या दिया है, मैं रेशो दिया है, क्या रेशो दिया है, रेशो दिया है 4:3:2। अब जब किन्हीं एंगल्स में हमें रेशो दिया जाता है तो उनको हम एक्स के साथ मानते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीन ही तो एंगल होंगे ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x, और तीनों का सम क्या होगा 180, 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180, 9x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 9, तो क्या आ जाएगा 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, एंगल नहीं आया, ये किसकी वैल्यू आई x की, तो इनमें रख देंगे 4x है तो 4 × 20, एक तो आ गया 80, चलो 3 × 20 ये आ गया 60, और 2 × 20 ये आ गया 40, तीनों एंगल आगे जोड़ के देख लो 180 होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल, क्या कह रहा है, राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है, राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, ये एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो राइट ट्राइंगल में एक तो 90 हो गया है ना, ये कितना हो गया 90, दूसरे में क्या कह रहा है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल,
कितना है 36 डिग्री। क्या कह रहा है, जो एक्यूट एंगल है उनमें से एक 36 डिग्री है, एक कितना हो गया 36। कोई से कोई मान लो, इसको मान लो या इसको मान लो, ठीक है, दो पता चल गए, तीसरा निकाल सकते हम। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए हमें नहीं पता, बी 90 प्लस 36 इक्वल टू 180। तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 126, तो एंगल ए इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 था, अब 6 देखो। 6 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही, मैं बता देता हूं आपको, एक फिगर है उसमें भी सेम, ए बी सी 6 क्वेश्चन में राइट ट्राइंगल है। अब कितने एंगल बचे, दो एंगल बचे हमारे, है ना, तो दो एंगल बचने का मतलब क्या है, ये दोनों में पता करने पड़ेंगे, एक तो 90 है। उसने कहा क्या, ये दोनों का रेशो 2:1 है, क्या है दोनों का रेशो 2:1, तो इन दोनों का रेशो क्या है 2:1, तो एंगल क्या हो गए, एक हो गया 2x और एक हो गया 1x, यानी कि x, तीनों का सम क्या होगा 180। लिख लेना और सॉल्व कर लेना इसको, 90 प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180, ठीक है, तो 3x इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 आ जाएगा, x इक्वल टू 90 अपॉन 3, x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 30, तो ऊपर वाला 60 हो जाएगा, नीचे वाला 30 हो जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसने कहा वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 100 डिग्री एंड अदर टू आर इक्वल। एक ट्राइंगल है, इसका एक एंगल तो है 100, बाकी दो क्या कहा उसने, इक्वल है, तो ये भी x मान लेंगे, ये भी x, ए बी सी जो इक्वल है उनको x मान लिया, एक क्या है 100 है, उसने कहा एक तो 100 है बाकी इक्वल है, तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितना माना हमने, x प्लस 100 प्लस x इक्वल टू 180। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 100, x इक्वल टू 80 अपॉन 2, 2 से कट करेंगे क्या आ जाएगा 40। क्लियर, कोई डाउट, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ईच ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए आइसोसेलस ट्राइंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, आइसोसेलस का मतलब ए बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है। चलो क्या कहा इसने, इसने कहा ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स, इसने कहा जो इक्वल एंगल्स है वो क्या है, ट्राइंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। इक्वल वाले कौन से हैं, कौन से इक्वल होते हैं, जो उनकी साइड इक्वल होती है वही वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। बी इक्वल है सी के, बी इक्वल है सी के, इसने क्या कहा, ये जो दो इक्वल एंगल है ये थर्ड एंगल से डबल है, दोनों किससे डबल है, थर्ड एंगल से। तो थर्ड एंगल अगर एक्स है, ये इसके डबल है, तो ये कितने हो गए 2x, दोनों 2x क्यों हुए, क्योंकि इक्वल एंगल है। ठीक है, क्या कहा, थर्ड एंगल के डबल है दोनों। ठीक है, तो एक x आ गया, एक 2x आ गया और दूसरा भी 2x आ गया। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए कितना है x, 2x, 2x इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 36 आ गई x की वैल्यू, तो ये तो हो गया हमारा 36, ये कितना हो गया 36 मल्टीप्लाई 2 72, और ये कितना हो गया 36 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 72 डिग्री।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसने कहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल द सम ऑफ अदर टू। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। देखो ध्यान से देखना भाई, एंगल ए बी सी क्या कहा है इसने, इसने कहा है इनमें से कोई भी एक एंगल बाकी दोनों के सम के बराबर है। सबसे बड़ा किसे मानूं, बी को मान लेते हैं बड़ा, ठीक है बी सबसे बड़ा है, ठीक है तो एंगल बी इक्वल मान लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी, मान लिया। उसने कहा एक एंगल बाकी दो के सम के बराबर है, तो मैंने B को क्या मान लिया कि B A और C के सम के बराबर है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में कहा, और प्रॉपर्टी क्या है ट्राइंगल की, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहां पर क्या है A और C, यहां भी क्या है A और C, तो A प्लस C की जगह अगर मैं B लिख दूं, लिख सकता हूं ना, ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस सी के बराबर क्या है बी, तो ए प्लस सी के बराबर मैं इसमें भी बी लिख दूं अगर, है ना, तो क्या हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल बी, दो एंगल बी हो जाएंगे इक्वल टू 180, तो टू एंगल बी इक्वल टू 180 और एंगल बी इक्वल टू 180 अपॉन टू कितना आ गया 90। और यही हमें प्रूफ करना था, ये राइट ट्राइंगल है, हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि ये बताओ, ये प्रूफ करो कि ये राइट ट्राइंगल है। अब ये राइट ट्राइंगल का प्रूफ होगा जब इसमें से एक एंगल 90 का आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने नहीं किया, उसने हमें एक चीज बताई, क्या बताया, इन तीनों एंगल में से कोई भी एक एंगल बाकी दो के सम के बराबर है, तो हमने क्या करा बी को मान लिया कि बी बराबर है किसके, ए प्लस सी के, मान लिया ये। अब हमें प्रॉपर्टी पता है क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है 180, ठीक है। अब तर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर a और c दोनों की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, b लिख लिया, क्योंकि a प्लस सी बराबर क्या है b, तो दोनों को मैंने हटाया और दोनों की जगह पे क्या लिख दिया, b लिख दिया, ठीक है। तो b प्लस बी इक्वल टू 180, टू एंगल b इक्वल टू 180, एंगल b इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो एंगल बी कितना आ गया 90, तो ये क्या हो गया हमारा राइट ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर है। अब हमारे क्वेश्चन रह गए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये करेंगे कल, आज के लिए इतना ही, ठीक है।